हेलो दोस्तों, तो फिर से आपका एक नए व्लॉग में स्वागत है। तो अभी रास्ते में क्या भूख लग गई थी तो चाय नाश्ता करने के लिए बैठ गए हैं। ठीक है, ये चिप्स तो आ गई है, अभी चाय बन रही है। ये निशांत भाई, ठीक है, अभी चाय आ रही है, तो फिर चाय पीने के बाद ही जो है फिश फार्म चलेंगे। ये पता नहीं क्या चीज लगी हुई इधर टायर से है उसके ऊपर। तो दोस्तों, बहुत टाइम बाद, अब लगभग एक घंटा लगा हमें आने में, और एक घंटे बाद फाइनली हम पहुंच चुके हैं। और ये है एक फिश का डैम, मतलब जहाँ पर फिश वगैरह रखते हैं। ठीक है, ये फिश मतलब बढ़ा के जैसे 500-700 पीस ला के और उनको बढ़ा के और उन्हें बेचते हैं। ठीक है, और इसमें सिर्फ जंगली मछलियाँ हैं। ठीक है, वैसे मछली है, ये जंगली मछली इसके अंदर है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि मछली आपको दिखे, लेकिन क्या धूप हो रखी है, अभी धूप में सारी मछलियाँ क्या अंदर चली जाती है, पानी के अंदर बाहर नहीं निकलती। तो मैं कोशिश करूँगा कि कोई ना कोई मछली हो जो आए तो मैं आपको दिखाऊं। ठीक है, और ये एक फार्म है। ठीक है, इसे सारे फार्म बोलते हैं। ठीक है, मैं तो इसके बारे में नहीं जानता था, पर मेरे साथ जो निशांत भाई है, ठीक है, वो मेरे को यहाँ पे लेके आया है कि चल भाई तेरे को फिश वाले फार्म लेके चलते हैं, तो वहाँ पे ब्लॉग शूट कर लेना। तो फिर आपके लिए मैं एक फिश फार्म में आया हूँ। ठीक है, आपको दिखाता हूँ कि फिश फार्म कैसा होता है। ठीक है, कैसे मछलियों को वहाँ से लेके आते हैं। ठीक है, हेलो, कैसे मछलियों को पानी में लेके आते हैं, फिर उनकी सफाई होती है। ठीक है, और उसके बाद में क्या यहाँ पे मछलियों का ऐसे पता नहीं, मैंने सुना था बोलते हुए कि मछलियों का तेल वगैरह निकालते हैं, पता नहीं पूरी बात मेरे को भी नहीं पता कि कैसे क्या कुछ होता है। ठीक है, बस मैंने सुनी है, अब इनसे पूछेंगे जो भी फिश मैन है, मतलब जो फिश को इनकी रखवाली करते हैं, उनसे पूछेंगे कि आप क्या करते हो फिश का। ठीक है, और फिश मतलब कहाँ से लाते हो, कहाँ पर बेचते हो। तो अभी चलते हैं, मैं आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ इसका। आप वैसे देख सकते हो पूरे ऐसे लग रहा है कि कोई नदी है। ठीक है, कोई नदी के पास आए हो ऐसे लग रहा है। अभी हम आए थे वहाँ पे भी एक फार्म था। ठीक है, वो छोटा फार्म था और ये एक बड़ा फार्म है। आपको एक बात ये भी बता दूं कि अपने जो निशांत भाई है उनका भी एक फिश फार्म है। ठीक है, वो तो यहाँ से काफ़ी दूर है, तो आज हम वहाँ पे नहीं जा पाए, टाइम काफ़ी हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि ये फार्म है जो दिखाते हैं आपको। एकदम खेतों के बीच है जो ये फार्म बना हुआ है, एकदम मतलब आसपास में सारे खेत ही खेत हैं। ठीक है, किसी को पता नहीं है यहाँ पे फार्म है। ठीक है, वैसे मेरे को नहीं पता, बाकी तो यहाँ के लोगों को पता ही होगा। ठीक है, मतलब आसपास में सारे खेत हैं, बस यहाँ पे बाज ही बाज घूम रहे हैं। पूरा एकदम शांति का माहौल है, जैसे होता है विलेज, पूरा गांव ही गाँव है, एकदम शांति बनी हुई है यहाँ पे। यहाँ पे शरीर को मतलब माइंड को एक रिलैक्स फील होता है, वो हो रहा है। ये देख सकते हो पूरा एकदम बड़ा, वहाँ पर जो है थोड़ा ये कीचड़ सा है, पत्ते पत्ते से हैं, कहीं पे बतख घूम रही है। तो दोस्तों, अभी मेरे को एक चीज़ वहाँ पे दिखाई दी है। ठीक है, आप देख सकते हो वो जो पत्ते हैं ना, वो पत्ते उनके बीच में क्या जो अपना कमल का फूल होता है ना, जो कमल, ठीक है, वो लगा हुआ है। मैंने भी फर्स्ट टाइम ही देखा है। ठीक है, कीचड़ के बीच, मैं सुना है कि कीचड़ के बीच जो है वो कमल का फूल लगता है। ठीक है, तो अभी मैंने देखा कि है तो भाई कमल के फूल ही, मैं सोचा आपको दिखाता हूँ। ठीक है, कमल के फूल लगे हुए हैं यहाँ पे, वो रहे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो है यहाँ पे मछलियाँ वगैरह बाहर से लेके आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर उनका पालन पोषण मतलब जो भी है इसको खाना वगैरह डाल के और उनकी जो संख्या है उसको बढ़ाते हैं, और फिर बाहर है जैसे बहुत है, निशांत भाई बता रहे थे बहुत है जो खरीदने वाले हैं फिश वगैरह, फिश के जो अंडे होते हैं वो भी लोग खरीदते हैं। ठीक है, बीज कहते हैं उसे। ठीक है, तो फिर वो खरीदते हैं और आगे उनको बढ़ाते रहते हैं। जो जैसे केरल साइड वगैरह में है, उस साइड क्या मछलियाँ बहुत ज़्यादा खाते हैं लोग, तो उनके लिए वहाँ से सप्लाई करते हैं। ठीक है, बाकी मेरे को पूरा पक्का नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूँ, अब उनसे पूछ के पूरा कंफर्म करके बताऊँगा कि इन मछलियों का करते क्या है। तो दोस्तों, धूप यहाँ पर काफ़ी हो रखी है, मेरे को कैमरे में भी देखने की दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो फिर सिर्फ आपके लिए मैं यहाँ पे व्लॉग बनाने आया हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, धूप सब बाद में देखेंगे, पहले आपके लिए कुछ ना कुछ चीज़ बना के व्लॉग बना के और पोस्ट करते हैं, ताकि आप सभी जो लोग हैं वो व्लॉग को देख पाएं।
यहाँ पे पता नहीं कोई सांप सूप मेरे को ना, मतलब मेरा सामना सांप से ना हो जाए, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा दूर ही रहूँ इससे। मैं आपको सिर्फ कमल का फूल दिखाने के चक्कर में हूँ कि दिख जाए, लेकिन यहाँ से तो मुझे नहीं लगता दिखाई देगा, पीछे से ही देखना पड़ेगा। तो वापस चलते हैं। मिट्टी तो पूरा, मैं पैर देखो पूरा मिट्टी मिट्टी से भर रखा हूँ। इस साइड में जो है खेत है, जो जैसा मैंने आपको कहा था, वो देखो गाइज। दोस्तों आपका भाई पूरा, मतलब एकदम पास से शॉट लेने के लिए एकदम नीचे उतर गया तारों से। ये रे कमल के फूल, ओ भाई साहब शानदार यार, गजब लग रहे हैं एकदम। ये देखो पत्ते, देखो इसका एक पत्ता ही बहुत, मतलब थाली जितना तो एक पत्ता है इसका, मतलब बहुत हजारों फूल लगे हुए यहाँ पे। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि इसका जो मेन ऑफिस है वो यहाँ पर है, जो पीछे की तरफ बना हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो भी बीज वगैरह आते हैं वो यहीं पे पहले चेकिंग होते हैं, ठीक है। इसका नाम है राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड केंद्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र। पता नहीं मुझे इसके अंदर मतलब पूरा क्या प्रोसेस है, कैसे मछलियाँ कहाँ से लेके आते हैं, कहाँ पर बेचते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि इनका जो ऑफिस है वो भी दिखाऊँ, ठीक है। और आपको इसके अंदर लेके चलता हूँ मैं अभी। ये पीछे जो है जनरेटर वगैरह लग रखे हैं, ये पीछे पता नहीं रूम्स है भाई साहब। जनरेटर देखो इनके कितने बड़े हैं, मतलब पूरे कमरे जैसा तो पूरा जनरेटर बन रखा है इनका। एक डिग्गी तो थी वहाँ पे, ठीक है। और एक पीछे की तरफ है ना, इस साइड में भी एक डिग्गी बनी हुई है, ठीक है। एक तो ये रही जो मैंने आपको नहीं दिखाई, और आपको दिखाई थी वो पीछे की तरफ मेरे दिखाई दे रही, वो वहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। देखिए इस डिग्गी को भी दिखाता हूँ मैं आपको कैसी डिग्गी। चलो चलते हैं एकदम। इसके अंदर देखो गंदा पानी भरा हुआ है पूरा, ठीक है। हल्का सा मटमैला कलर हो रखा है। इसके अंदर पता नहीं फिश है या फिर नहीं है, अपने कोशिश करेंगे कि पूछते हैं उनसे फिश है क्या, उनसे पूछेंगे फिश है या फिर नहीं है, या फिर ऐसे ही ये बना हुआ है। तो पानी वगैरह साफ करते हैं तो इसके अंदर डालते होंगे, ठीक है। एक उससे भी आगे है जो वो भी बना हुआ है। और ये भाई साहब पता नहीं टोपे से क्या लगी हुई है, ये देखो पता नहीं क्या चीज़ है, पर है वो कोई खतरनाक ही चीज़ लग रही है। को इसके अंदर लेके चलते हैं, उस ऑफिस के अंदर लेके चलते हैं आपको। ये जो फर्म है इसके अंदर चलते हैं। वागी निशांत भाई और वागी बैठे होंगे, और निशांत भाई और दो बंदे और हैं। ये इनका जो मेन ऑफिस है वो है, इसके साइड का व्यू दिखाता हूँ आपको। मतलब ऐसा आप चारों तरफ एकदम मतलब खेती खेत है, पूरे पूरे खेती खेत बने हुए, एकदम फार्म के जो सामने है, मतलब वो डिग्गी बनी है जिसमें मछलियाँ। तो यहाँ पे जो है मतलब तो फिल्टर वगैरह लग रखे हैं, यहाँ पे मछलियों को निकालते होंगे, मुझे भी नहीं पता कि क्या करते हैं ये। यहाँ पे लिखा हुआ है कृपा पानी बाहर ना डालें, पर पानी तो है ही नहीं इसके अंदर। ये तो लगता है कि जो पानी है उसको फिल्टर करने के लिए कुछ बनाया हुआ है। बाकी भैया से पूछते हैं क्या चीज़ है ये। ये हमारे साथ भैया, भैया आपका नाम मोहित भैया, और अंकल आपका नाम बाबूश्री। ये बाबूश्री भैया और ये अपने निशांत भाई। बाबूश्री अंकल ये क्या बने हुए डिग्गी से? वो ये कंडीशनिंग पाउडर, वो रेडिंग पाउडर। क्या चीज है? रेडिंग पाउडर। रेडिंग पाउडर, ये कंडीशनिंग पाउडर। इसमें होता क्या है? इसमें मिर्ची का होता है, वो स्पॉन स्टार होता है, उसमें अंडा मतलब एक छोटा जाता है उसमें। अच्छा, उसी में वो स्पॉन स्टार होता है। अच्छा, तो उसमें क्या है कि मछली का जो अंडा वगैरह है वो उसी में तैयार होता है। इस दे चार पांच डिग्गियां बनी हुई है। इधर जो है एक बड़ी डिग्गी बनी हुई है, वो पता नहीं क्या है, कोशिश करेंगे थोड़ा सा ऊपर जाऊं। भाई साहब पूरी एक डिग्गी, अरे यार ये तो सूखी पड़ी है।
ये डिग्गी तो सूखी पड़ी है दोस्तों। तो दोस्तों ये डिग्गी के ऊपर से खड़ा होके ना मतलब पता लग रहा है कि ये डिग्गी के ऊपर खड़े होने से मतलब पूरा गांव का जो व्यू है, पूरे गांव का व्यू बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब व्यू आ रहा है यहाँ से। मतलब यहाँ पे वीडियो बनाने के जो मजे आ गए एकदम। तो ये जो खाली डिग्गी थी उसके मैं एकदम पीछे की तरफ आ गया हूँ, ठीक है। मेरे को पता चला कि यहाँ पे एक जो कुत्ता भी है वो भी इन्होंने रख रखा है, पर वो बांधा हुआ है, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे है। एक सामने बिल्ली दिखाई दी मेरे को, जो देखती डर गई है वो रही, पर मेरे को थोड़ा कुत्ते का डर है वो कुत्ता ना आ जाए। भाई साहब यहाँ पर जो एक और जो डिग्गी है वो बनी हुई है, ये पता नहीं किसके लिए है, ठीक है। और यहाँ पर भी एक जो घर सा है वो बना हुआ है, मेरे को कुत्ते का डर है कि वो कुत्ता है कहाँ पे, बंधा हुआ है या नहीं है। अभी तो मेरे को नहीं दिखाई दिया, हो सकता है वो खेतों में भी चला गया हो कुत्ता, पर वो कुत्ता दिखाई नहीं दे रहा। तो ये है यहाँ का फार्म, देख सकते हो आप, ठीक है। ये एक पीछे की तरफ जो बनी हुई थी डिग्गी वो है, ठीक है। और अपन उस तरफ से आए थे, ठीक है, वो रोड है उधर से आए थे। ये जो फार्म है वो आपको मैंने दिखाई दिया, ठीक है। यहाँ पर भी जो है मतलब कई ज़्यादा लोगों की मीटिंग होती है, तो फिर पीछे बिठाते हैं उनको और बात वगैरह करते हैं कि मतलब फिश कहाँ से लेके आएंगे वगैरह वगैरह जो भी है। तो दोस्तों इतनी दूर मैं सिर्फ आपके लिए आया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, मतलब आपको कुछ भी सीखने को मिले कि मतलब मछलियों का भी फार्म होता है, ठीक है। मेरे को पहले ये नहीं पता था कि यहाँ से सूरतगढ़ से भी मतलब मछलियाँ वगैरह यहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब लेके आते हैं कहीं पर भेजते हैं, ठीक है। तो मेरे को भी फर्स्ट टाइम पता चला है, मैं भी जो फर्स्ट टाइम ही है वो इधर आया हूँ, ठीक है। मेरे को भी थोड़ी बहुत जानकारी है कि मछलियाँ हैं उनको कहाँ से लेके आते हैं, कहाँ पर करते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना मत भूलना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। अभी मेरा सेकंड व्लॉग है, ठीक है, सेकंड व्लॉग का डे था, तो मैंने सोचा कि आपको कहीं अच्छी जगह घुमाने लेके जाएँ जहाँ पर आप देख के भी आप भी खुश हो उसको कि हाँ भाई शिव भाई है जो मतलब अच्छा व्लॉग बना रहा है, ठीक है। आपको मतलब अच्छी जगह दिखाने लेके आया था, ठीक है। तो इस बंदे के लिए एक लाइक ज़रूर करते हैं, ठीक है। तो अभी जो है मेरा नया चैनल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके दोस्त हो या फिर आपकी जो चैनल हो उनसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं भी जल्दी से जल्दी मतलब आपको और जगह दिखा पाऊँ कि मतलब यहाँ के लोग हैं वो कैसे हैं, मतलब यहाँ का सूरतगढ़ का पूरा गंगानगर का पूरे राजस्थान का व्यू दिखा पाऊँ अलग अलग जगह जाके कि ये पूरा कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पर कोई शोर शराबा कुछ नहीं है, बस सिर्फ खेत, बस पक्षियों की आवाज़ आती रहती है, वह छोटे छोटे जानवरों की, बस मतलब बहुत गजब चीज़ है यार। आपको मैं इसके अंदर दिखा के देखता हूँ कि इसके अंदर है क्या, ये देख सकते हो आप, मतलब इसके अंदर पता नहीं क्या चीज़ है, मछलियाँ हैं ये तो पता नहीं, लेकिन एक मेंढक है जो वो बहुत है। आप देख लो मेंढक की मेंढक, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे मेंढक की मेंढक हैं, जो मतलब धूप से एक रहा मुँह इनका बाहर है बाकी शरीर पानी में। जो मेंढक है वो बाहर भी और पानी के अंदर दोनों जिंदा रह सकते हैं, मतलब मेंढक और क्या, पता नहीं मेंढक भी बिकता है या नहीं, ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन यहाँ पर मेंढक की मेंढक कम से कम भाई साहब 100 के आसपास मेंढक तो आराम से, बाकी जो अंदर गया उनका पता नहीं। मतलब मेंढक भी यार आराम से तैर पा रहे हैं पानी के अंदर, ये देखो, ओहो मेरे पास में आती, अब देखते रहना कैसे करेंगे, ये देखो कूद रहे हैं कुछ मेंढक तो, ओ भाई साहब मतलब पानी के अंदर कूद रहे हैं, पानी के अंदर एकदम आराम से। काफ़ी टाइम बाद मैंने उनसे पूछा कि मतलब फिश वगैरह कैसे तैयार करते हैं, तो आप कैमरे में बताओगे, तो फिर वो कहते नहीं मेरे को शर्म आती है, मैं कभी कैमरे के सामने आया नहीं हूँ, ठीक है। वो अंकल थे तो कहते मैं तेरे को वैसे बता देता हूँ तो बता देना वीडियो में कि मतलब कैसे बनाते हैं, मतलब यहाँ से ये फिश खुद ही तैयार करते हैं, ठीक है। जो उनका स्पम होता है, मतलब उनके छोटे छोटे जो बीज होते हैं लार्वा होते हैं, उनको इकट्ठा करके जो छोटी डिग्गी दिखाई थी आपको उसमें डालते हैं, उसमें मतलब 10-15 दिन मछली थोड़ी बड़ी हो जाने के बाद दूसरी डिग्गी में शिफ्ट करते हैं, और फिर वहाँ से थोड़ी और बड़ी होने के बाद जो मतलब यहाँ पर एक छोटी डिग्गी बनी है उसमें डालते हैं, ठीक है। फिर मतलब थोड़े दिन बाद मतलब इसमें डालते हैं, ठीक है। मतलब ये जो आपको ये बड़ी डिग्गी है ना फुल बड़ी, इसमें डाल देते हैं लास्ट में। और जब भी इनको मछलियाँ चाहिए होती है ना, जैसे कोई आ जाता है खरीदने वाला, ठीक है, जैसे कोई मार्केट से आ गया कि मेरे को इतनी मछलियाँ चाहिए, 2000 चाहिए, 3000 चाहिए, तो क्या करते हैं इन मछलियों को निकालते हैं, और जो छोटी दो आपको डिग्गियाँ दिखाई थी ना, ठीक है, ये वाली, ठीक है, तो उनमें डिग्गी में डाल के मतलब इनको साफ करके इनको जो 24 घंटे खाना नहीं देते, ठीक है, ताकि क्या है कि जो उस पानी में बिंट वगैरह ना करे, ठीक है। 24 घंटे पानी मतलब नहीं देने के बाद में इन मछलियों के क्या है कि छोटी छोटी जो छलनियाँ होती है, ठीक है, छोटी छोटी छलनियाँ होती है उसमें डालते हैं, और
पैकेट जो होते हैं उनके, मतलब 500 मछलियों का पैकेट है, 1000 मछलियों का, ठीक है, तो उसमें ऑक्सीजन वगैरह भर के, पता नहीं मैंने नहीं देखा, इनका अभी ऑफ सीजन चल रहा है, इनका मेन सीजन जो है वो मतलब मार्च और अप्रैल में चलता है, ठीक है, मार्च अप्रैल फरवरी, ठीक है, अभी इनका सीजन ऑफ है, मतलब अभी मछलियाँ नहीं तैयार हो रही है, तो आप कोशिश करूँगा कि फरवरी मार्च में और आपको दिखाऊँ, ठीक है, उन पैकेट में डाल के, और यहाँ के जो मार्केट के लोग हैं, ठीक है, जो ये मतलब जो मच्छी वगैरह खाते हैं, ठीक है, जो मार्केट में जो मतलब जो भी चिकन सेंटर होते हैं, मतलब जो भी चिकन वगैरह बेचते हैं, ठीक है, तो उनको सप्लाई करते हैं, तो मैंने पूछा कि यार इतनी मछलियाँ खा जाते हैं, तो कहते हैं आजकल के लोग हैं ना मतलब मीट मच्छी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग गए, सर्दियों में तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब गर्म होती है ना मछली, तो बहुत ज़्यादा लोग मछली खाते हैं, पाप करते हैं, ठीक है, मैं तो नहीं खाता, मेरी आज तक नहीं खाई हुई, ठीक है, तो मतलब उनको बेचते हैं, मतलब बाहर कहीं नहीं बेचते, बाहर बेचने की नौबत ही नहीं आती, यहाँ के लोग या वो लेके चले जाते हैं, मार्केट में बेचते हैं, लोग खाते हैं, ठीक है, मतलब बच्चों को बड़ा करते हैं, और फिर मतलब एक टाइप का न्याय है उनके साथ, उनको खिला पिला के बड़ा करते हैं, और लास्ट में जब टाइम आता है तो उनको मार देते हैं, क्योंकि क्या करें, ये भी अपना बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा पेट भरने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये गलत है, पर अपने भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सरकारी है, मतलब सरकारी ऐसा करने के लिए कह रही है, तो फिर अपने क्या करके, मेरे को उन्होंने जितनी जानकारी दी उतनी मैंने आपको बता दी है, ठीक है, मतलब क्या करते हैं, मछलियाँ कहाँ से लेके आते हैं, मतलब उनके पहले पहले मछलियाँ जो है वो लेके आए थे, बाद में क्या मछलियों के जो अंडे होते हैं उनको इकट्ठा करके, मतलब मछलियाँ दुगनी तीन गुनी चार गुनी होती जा रही है, मतलब धीरे धीरे मछलियाँ बढ़ रही है, ठीक है, बाहर भेजने की इनको नौबत ही नहीं आती, मतलब कहाँ से, ऐसे नहीं है कि बाहर से मछली लेके आई, यहीं पर तैयार हुई, यहीं पर सारा कुछ हुआ और बेच दिया, ठीक है, और जो भी प्रॉफिट हुआ वो मुझे नहीं पता कि ये खुद रखते हैं या फिर सरकार को, मतलब इनका कोई मेन होगा हेड, ठीक है, तो उनके पास जाते हैं और वहाँ से सीधा सरकार को भेज देते हैं, बाकी मतलब मैंने आपको पूरा दिखाई दिया, मतलब बहुत शानदार बना हुआ है, ठीक है, अभी क्या है ऑफ सीजन चल रहा है फिलहाल, तो मतलब मछलियाँ कम ही देखने को मिली है, ठीक है, अभी जो फरवरी मार्च में इनका सीज़न आएगा तभी आपको दिखाऊंगा कि मछलियाँ जो है कैसे तैयार होती है, ठीक है, कैसे डालते हैं, मतलब मछलियों को जाले जुले पड़े हुए थे, मतलब मछलियों को पकड़ने के लिए सारा कुछ इंतजाम है एकदम, मतलब यार मैं तो पहली बार ही हूँ, पहली बार आने की फीलिंग है, मतलब कुछ और होती है, मतलब मज़ा आ गया यार ऐसी चीज़ें देख के ना, मतलब थोड़ी बहुत पता भी लगा कि मछलियों को कैसे होते हैं, उनको खाना डालते हैं कैसे क्या करते हैं, मतलब उसको मतलब उनको फैट डालते हैं ताकि ये भी है जो मोटी हो जाए, ठीक है, मतलब मोटी हो जाए बड़ी हो जाए, और एक बात है अभी मेरे को पता चली कि ज़्यादा मोटी मछलियों को भी ना ये रखते नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वैसे तो इनका प्रॉफिट है ज़्यादा बड़ी मछली रखें, लेकिन क्या है कि अगर मछली ज़्यादा बड़ी रखते हैं ना तो फिर क्या बड़ी मछली है वो छोटी मछलियों खा जाती है, एक मछली अगर 10 को खाएगी, ठीक है, एक दिन में, तो फिर यानी 10 मछलियाँ तो 100 मछलियों की, यानी 100 मछलियों का घाटा होता है, इसलिए क्या जो बड़े मछलियाँ होते हैं उनको कोशिश करते हैं कि बाहर निकाल लें, फिर कैसे ना कैसे मतलब उनको दूर रखते हैं इस पानी में आने के लिए, या फिर कैसे यहाँ पे बुगले वगैरह बहुत है, चील बाज ऊपर भी दिखाई दे रहे हैं मेरे को बहुत है, ठीक है, ये सारे इस पानी के अंदर मछलियाँ उठाते हैं खाते हैं, ये तो है ही प्रकृति का नियम है, वो मतलब खाते पीते हैं, मतलब जो भी है एक दूसरे का शिकार करेंगे, अगर ये इसके इनका मछलियों का शिकार नहीं करेंगे तो मछलियों की तादाद भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और इतनी हो जाएगी कि अपने सोच भी नहीं सकते, ठीक है, ये जो है प्रकृति का चलता ही रहता है, कोई शेर चूहे को खा गया, चूहा कीड़ों को खाता है, कीड़ा किसी को खाते हैं, ठीक है, इनका प्रकृति का है वो चलता ही रहता है, बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आज मैं क्या क्या गलतियां कर रहा हूँ वीडियो बनाने में, ठीक है, तो आज हमारा जो सेकंड व्लॉग है वो कंप्लीट हो गया है, तो फिर इसी के साथ जय हिंद वंदे मातरम।